वो चीज यहाँ पे क्या करता है, वी यूज बोथ अवर हैंड्स ऑन वर्किंग ऑन दिस वन. जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं गिटारिस्ट को लेते हैं, गिटार गिटार जब बजाते हैं तो हाथ से ये चल रहा है और अपना ये दोनों चीज़ चल रहे हैं, लेकिन उसने जो गाना गाने वाला गाना जैसे हिसाब से गा रहा है उसके हिसाब से मेरा उसका स्ट्रिंग्स बजेगा और उसका अपना वो चलना शुरू होगा. जो उसका गाना गाने का जो मेरा राइट ब्रेन में गया और वहाँ से उसको गाना वो उसको हुआ और उसके हिसाब से मेरा स्ट्रिंग्स बजना शुरू हुआ. उसी तरह टाइपिस्ट आपने देखा होगा, बॉस बोल रहा है, डिक्टेट कर रहा है, फटाफट 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 टाइप कर रहा है, तो क्या हुआ कि उसका जो है कौन से एकदम उसने कोई लेटर रॉन्ग दबाया तो उसने उसका स्क्रीन पे जाएगा और वो थोड़ा सा रब करके फिर वो करना शुरू कर देता है. तो वहाँ पे क्या, वी आर ट्यून टू दैट. इसी तरह से बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो गिटारिस्ट है या टाइपिस्ट है, दे आर डूइंग फॉर देयर लाइवलीहुड. बच्चा यहाँ पे है कि वहाँ पे उसका लाइवलीहुड नहीं है, उसको ज़बरदस्ती माँ बाप ने स्कूल भेजा या इंटरेस्टिंगली आया कुछ खेल स्कूल में कुछ खेला जाएगा या अप टू फिफ्थ क्लास सेवन्थ क्लास बच्चों को वो ज़रूरत नहीं है, मतलब वो ज़बरदस्ती ही भेजा जाते हैं. तो वहाँ पे उस जो हमारी जो जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट पीरियड है फ्रॉम मदर वॉम टू 16 to 17 ईयर्स तक हमारा 85% ऑफ द ब्रेन डेवलप्स. अगर उस वक्त में उसको हम टैप अप कर लेते हैं, सही से उनको बता देते हैं कि सही से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को दोनों को प्रॉपरली ट्यून अप कर लेते हैं. राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को ट्यून अप करने के लिए हमारे जैसे एक्यूप्रेशर्स आपने देखे होगा, आपने कई बीमारियां आजकल हमारे इसी थम इसको दबा के ही मतलब ठीक कर सकते हैं. बीमारियाँ जो है कहीं भी हम कोई भी बीमारी वी कैन उसको ठीक कर सकते हैं थ्रू सेल्फ, देयर इज नो नीड टू गो टू डॉक्टर्स ऑल्सो. मैंने अपना चिकनगुनिया, सॉरी मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं पहले उसको बोलूँ, जब बच्चे जो है वहाँ पे क्या कहते हैं उनको उनको खेल खेल में ही राइट ब्रेन राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को कैसे वो करना है विद सर्टेन फॉर्मूलास विद गैजेट वी वर्कआउट ऑन देम. उसमें क्या है कि उसको जब कर रहे हैं तो उसका पूरा आँखें उस तरफ है, करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है. कैन यू गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ डेमोंस्ट्रेशन हाउ जो आपको सुन रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त फ्रॉम कैलिफोर्निया टू मेलबर्न एंड सिडनी एंड एवरीवेयर इन बिटवीन फ्रॉम लंदन टू दिल्ली टू मुंबई कैलकाटा मैड्रास चेन्नई व्हाट इज हाउ कैन यू गिव अस अ लिटिल डेमोंस्ट्रेशन हाउ दे शुड प्रैक्टिस बीइंग एट देयर होम और वेयरएवर दे आर इन अ वर्क प्लेस और एट होम और लिसनिंग टू यू हाउ दे शुड प्रैक्टिस इट और व्हाट दे शुड डू. इसके तो क्लासेस ही होती हैं लेकिन उसका सिंपल सा तरीका एक और चाहे थ्रू मेडिटेशन वी कैन डू इट. आपने आँखें बंद करना है और अपने श्वासों को अंदर आती जाती श्वासों को साथ आप बने रहें, अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को, श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट से शुरू करिए और जितने हो सके उतने उतनी देर तक करें. इससे बढ़िया अगर आप नहीं कर पा रहे, रात को सोने से पहले जब आप बैठ जाते हैं बिस्तर पे, अपने चद्दर को अपना ऊपर रखें, अपना बैठें, हाथों को दोनों को अपने अंदर अपना वो किए, इससे दोनों हाथ पैरों को आपने मोड़ा, ये देखा गया है कि हमारे बॉडी में से कई जगह से एनर्जी फ्लो होती हैं, बाहर की तरफ फ्लो होती हैं. जैसे ही आपने पैर फोल्ड किया तो आपके एनर्जी 10% यहाँ पे लॉक हो गए, 10% आपके एनर्जीज यहाँ पे लॉक हो गए, और जैसे ही आँखें बंद की आपने तो 80% हमारे एनर्जीज वहाँ पे लॉक हो गए. कान तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन कान को बंद करने का एक ही वो है, जब श्वास अब अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है उसको आप महसूस करते रहेंगे, अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास,
कानों से कुछ भी आपको वो नहीं आएगा, और जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं विचार तो आएंगे। जैसे ही आपने अंदर श्वास को देखा, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए श्वास देख रहे हैं, तो आपका विचार नहीं आएंगे, लेकिन वो भी अपना काम छोड़ता नहीं है। जैसे ही आपने एक दो बार तीन बार देखा, फिर आपका विचार आएगा और उस विचार के साथ आप बहना शुरू कर देंगे, फिर आप उसको फिर पकड़ के लाएं, और जब आप श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए आप महसूस करते रहेंगे। बस एक ही प्रक्रिया है हमारा लाइफ का, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना, उसको एक्सप्रेस करना और उसको आनंद लेना। यू हैव टू एंजॉय आवर दिस। जब आपने एंजॉयमेंट किया, कभी भी रिग्रेशन नहीं करना कि मुझे वो मैंने ये गलत कर दिया, ये मैंने फूल तोड़ दिया तो ये मेरा गलत कर दिया। उसको होना तो हो गया, डोंट बॉदर दैट मतलब मैंने कोई गलत कर दिया। जस्ट बी विथ योर सेल्फ, सो बी इट। हम बात कर रहे हैं रोशन कुमार नायडू जी से, और आप इस वक्त रूबरू हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tarangonlineradio@gmail.com। Mr. Naidu, it is very tough in this very hard-paced or fast-paced life to concentrate on self, to spend time on meditation. We always find excuse not to. Yes. what do you say to them who are, no doubt life has moved, it is very fast and there are a lot of things to do, but how to prioritize ki meditation or dhyan bhi ek आपके लिए उतना ही जरूरत है जो जातीय जिंदगी में खाना पीना, नौकरी करना, भाग दौड़, खेलना, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, सब चीज़ें जरूरी है, लेकिन जिस दिन आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, सब के लिए अपना प्रायोरिटीज निकलने शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती जाती है, वी आर लूजिंग दैट एनर्जीज। जैसे आपने आज हनुमान कौन था, हमारे श्वास ही हनुमान है, वायुपुत्र पवन सुत हनुमान, वो हमारे अंदर ही विराजमान है, वो हमेशा आते हैं। जिस दिन वो हनुमान अंदर से निकल गया, उस दिन उस शरीर का राम राम की जगह राम मरा मरा, मरा हो जाता है। ये बहुत ही मार्मिक शब्द है। राम भी हमारे अंदर ही है, हनुमान भी अंदर है, हमारे अंदर है। हमें प्रति क्षण उस श्वास के प्रति बहुत वो होना है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है हमारा आप मिस्टर नायडू के साथ। मिस्टर नायडू, यू टच्ड अ वेरी इंट्रिंसिक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, आई वांट यू टू एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दैट। यू सेड कि हमारी जिंदगी कितनी भी भाग दौड़ की हो, कितना भी उथल पुथल हो, पूरी दुनिया में जिंदगी, हर एक इंसान की जिंदगी मोर और लेस वैसे ही रहती। आपने कहा कि ध्यान करेंगे तो सारी चीजें और व्यवस्थित हो जाएंगी। इसका इस पे बहुत थोड़ा आपका मैं ध्यान आपको इसको एक्सप्लेन करने की बात कहूंगा। आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर नायडू दैट यू सेड दैट वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, इवन दो योर लाइफ इज अ वेरी हेक्टिक लाइफ एंड नो डाउट वर्ल्ड ओवर एवरीबॉडी इज वेरी बिजी, दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ न्यूक्लियस फैमिली एंड बट यू सेड दैट once you start meditating or once you start doing dhyan, life, your priority gets sorted out and everything that you have to do in a daily chore or day-to-day life, it gets more organized. That's a very interesting perspective you reflected on. Maybe you want to elaborate a little bit on. हमारे एक बिंदु से शुरू होती है जिंदगी, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, बिंदु यहाँ पे भी है, बिंदु यहाँ पे भी है, हमने इस बिंदु से लेके यहाँ तक जाना है, लेकिन आप सीधा जा नहीं पाते। यहाँ पे कुछ आकर्षण यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आकर्षण हुआ, जाना यहाँ पे है, लेकिन हम कहीं पे इधर उधर जिगजैग वे में निकलना शुरू कर देते हैं। तो जो बिंदु से बिंदु की तरफ जाने के लिए आपको, जब आप श्वास को ही देख लें, श्वास जब आप ले रहे हैं आप अंदर, तो अपने जहाँ जहाँ जाना है वो अपना काम कर रहा है। लंग्स पे जाना है, आर्टरीज पे जाना है, कहाँ पे कहाँ क्या लंग्स हार्ट में जाना है, वो अपना काम कर रहा है। तो उसी तरह से जब आप श्वास अंदर जाना बाहर जाना एक अपना काम कर रहा है, तो क्या आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते जो जिसकी वजह से आपका वजूद है, जिसकी तरह से, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं इस वक्त, बैठे बात कर रहे हैं इस वक्त, क्या आप 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट अब उसके लिए नहीं कर सकते? That's a very interesting perspective. We are talking to Roshan Kumar Naidu ji. He is trained to help us into meditation. He is trained to help us what dhyan is all about. That's a very interesting perspective right now we have reached where he says, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो आपके अंदर का खून क्लियर होता है, साफ होता है, ऑक्सीजन जाता है और आपकी पूरी बॉडी में, सारी तंत्रों में, सर से लेके पांव तक वो अपना कार्य उस ओर करता है. एंड इट हेल्प्स व्हेन यू ब्रीद अ लॉट, व्हेन यू ब्रीद टेक इन योर ऑक्सीजन, द होल बॉडी वर्क्स एंड होल बॉडी टेक्स दैट पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन, दैट पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट व्हेन यू ब्रीद. बट ही ऑल्सो सेज व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, when you start concentrating, when you start doing some kind of meditation, that also helps you that to organize your day-to-day life. That is a very interesting perspective, Mr. Naidu. Yeah, that's a very interesting analogy that you said. कि जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपकी जिंदगी है और वो जिंदगी बिंदु एक से जब आप जिंदगी शुरुआत करते हैं और जिंदगी जब आपका किसी इंसान का खत्म होता है, उस बीच वो जो एक कॉमन कड़ी है वो है उसका श्वास लेना और श्वास निकालना. और जब श्वास निकल जाती है तो वो उसकी जिंदगी को कहते हैं, वो शरीर बन गया, शव बन गया, वो शव बन गया. और आप ये बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि जब आप श्वास के लिए ही जी रहे हैं, जो पूरी जिंदगी जन्म से लेके मौत तक के बीच में जो एक कॉमन कड़ी है वो श्वास है, जो निरंतर कई सेकंड्स में ही आपको रिपीट करना होता है. और हम जाने अनजाने में इतना अनभिज्ञ है कि हम श्वास श्वास के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते. और क्यों नहीं हम इस पे और फोकस कर पाए? आप बताएं कि कैसे लोग इस पे और अपने आप को फोकस कर पाए. आप दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यू सेड दैट कि होल लाइफ बिगिंस एंड एंड्स बाय टेकिंग द ब्रेथ एंड यू डोंट नो व्हेन योर ब्रेथ विल गो अवे एंड यू विल बिकम अ डेड बॉडी. बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू सेड अकॉर्डिंग टू यू इज दैट लेट्स ब्रीद, वी डू ब्रीद. Why not concentrate few minutes, few moments on that? Not concentration, sir. Pranav ji, हमें किसी उसको इसको केवल उसको प्यार से उसको जब आते हुए अंदर जाती हुई श्वास को आपने एक्नॉलेज करना है, बस उसको एहसास करना है, महसूस करना है. जैसे ही आप अंदर जाती हुई श्वास को जैसे ही आपने अंदर देखा, वो प्यार से जितना अंदर वो अंदर जा रहा है और फिर उसको जब वो अंदर के पूरे जो आकार विकार जो है विकारों को उसको बाहर निकाल के फेंक रहा है. जब आपको जब आप इसको महसूस करेंगे यहाँ पे, जब विकार जब निकल रहा है जब वो श्वास के यहाँ पर्दों पे आपको गर्म महसूस होगा. जब आप जब श्वास अंदर जा रहा है बिल्कुल ठंडा महसूस होगा यहाँ पे, और जब अंदर जाएंगे आप वो जब बाहर निकल रहा है जब गर्म श्वास निकल रहा है. अब इसको जब बस केवल आपने केवल अपने श्वास को, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना किसी देवी देवता किसी का भी स्मरण नहीं करना, रोल ना नायडू का रोशन, ना रोशन का स्मरण करना, किसी का नहीं करना, केवल अपने आप को अंदर श्वास जाते हुए महसूस करना है. आपको अपने आप ही अंदर से सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी. आप कौन हैं, आप किसके लिए आए हैं इस धरती पर, क्या करने के लिए, आपको जो चीज भी चाहिए आपको सब चीजें यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे. नचिकेता है, ध्रुव, सब इवन अंगुलीमाल, सब इसी इवन हमारे सबसे बड़े गौतम बुद्ध जो पतंजलि जी हैं, ध्यान के ऊपर ही बताया है. तो ध्यान किसके लिए, किसी और के लिए नहीं है. जब मैं अपनी ही एक वाक्य बताता हूँ. कुछ साल पहले छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो नीचे के तीन दांत नीचे बाहर आ गए, निकल के बाहर आ गए मेरे हाथ में आए. जैसे मैंने मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे उठाया, डाल दिया अपने हाथ में, डाला बगल में किसी गया घर में, उनसे थोड़ा सा मैं वो जान पहचान के भी नहीं थे, उनसे गया एक चम्मच चीनी दो मेरे को. उन्होंने मुंह के खून देखा मेरा, तो उन्होंने चीनी दिया, एक चम्मच मुँह चीनी डाला मैंने,
सीधा घर में आया, घर में पिरामिड बना हुआ है, वहाँ मैं बैठा, डेढ़ घंटा बैठा हूँगा मैं, और 9 साल हो गए उस बात का, आज तक किसी डेंटिस्ट के पास नहीं किया। उसी शुरू के एक हफ्ते मैंने खाना थोड़ा सा इस दाढ़ से खाना शुरू किया था, उसके बाद आज मेरे को आज आप याद आया तो मेरे को एकदम पता लगा एक वाक्य बताने के, लेकिन मैं इस चीज़ बीच में भूल चुका था मैंने कि हर चीज़ मैं खाता हूँ, सेब खाता हूँ, सब कुछ इसी से। क्या राज है, या राज है या इसके पीछे कोई साइंस है? हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारे अंदर सब चीज़ें हैं अंदर, बट वी आर नॉट अवेयर वट हाउ मच पावर वी गॉट। कितना पावर है? बहुत पावर है सर, बहुत। कई लोग तो बस इतने पावर है कि आंखों में आंखें देखते देखते सामने वाले बिल्ड एक रॉड को मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक आदमी को भस्म कर सकता है आदमी। दैट मच पावर वी हैव गॉट, बट वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। कैसे उसे जगाएं? जगह ना बस अपने अपने श्वासों के साथ ही है, श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हैं, एक ही कार्य करना है वो, लेकिन आपका मन जो है वहाँ से भटकाने की कोशिश करेगा, उस मन की तरफ नहीं जाना है, मन को किसी तरह से उसको नकेल कसना है, उसको उसके वो बांधना है और उसके आप उसको चाबुक अपने हाथ में रखना है और उसके हाथ अपने आप रेंज को अपने हाथ में लिया तो वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। जिस दिन उसने अपना आपके लिए काम करना शुरू किया तो यू आर द गॉड। ओशो इतने तरीके से बता के गए हैं, ध्यान का तरीके हैं। करें आप श्वास को, केवल हर एक के पीछे श्वास का ही है। हम लगभग आधे घंटे इस प्रोग्राम में श्री नायडू जी के साथ हमने बिताया। वट एवर ही इज सेइंग, ही हैज वन थ्रेड और एक सूत्र जो इन्होंने हमें बताया कि आप सिर्फ अपने शरीर को स्थिर करें, कहीं बैठ जाए, जिस भी मुद्रा में बैठे, जहां भी बैठे, जो भी माहौल हो, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बस अपने मन को एकाग्र करके अपनी श्वास को देखना है। लिसन एंड हियर एंड सी द ब्रेथ यू टेक। यू आर ऑन तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड। आई एम प्रणव प्रखर योर होस्ट, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं श्री रोशन कुमार नायडू जी। ही इज अ ट्रेंड पर्सन हु टीचेस व्हाट इज ध्यान, व्हाट इज मेडिटेशन। ही टीचेस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हिज प्रीचर्स और हिज फॉलोअर्स और हिज डिसाइपल और हिज स्टूडेंट व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, व्हाट ध्यान इज ऑल अबाउट। चलिए हम उनसे और कुछ सवाल पूछते हैं। नायडू जी, ध्यान मेडिटेशन, आपने ये भी एक अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप में यदि ध्यान की इतनी पराकाष्ठा है और इतनी शक्ति आपने अर्जित कर ली है कि आप एक लोहे जैसे चीजों को भी आप मोड़ सकते हैं, आप एक किसी को भस्म कर सकते हैं, क्या ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है? और क्या पूरी दुनिया ये एस्ट्रल लाइफ, प्री लाइफ, पोस्ट लाइफ, हम आगे की जानने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें हम, वो तो अच्छी बात है जानना चाहते हैं, लेकिन क्या पूरी दुनिया इन्हीं चीजों में अटकी रहेगी या अटकी हुई है, जो कि एक इसका चार्म के लिए वो पीछे उसके ओर भाग रही है, न कि अपने अंदर की ऊर्जा को संचित कर पा रही है? देखिए, जो चीज मैंने बताया रॉड्स को मोड़ना और ये क्या वो करना, जस्ट वो एक बताने का माध्यम था कि हाउ मच पावर वी आर, आपके अंदर कितनी क्षमता है, उस क्षमता को आप अपने अंदर ले सकते हैं और अपने आप को कर सकते हैं। मदर टेरेसा, उन्होंने उस ऊर्जा के जो अंदर की ऊर्जा थी, उस ऊर्जा के सहारे ही तो इतने लोगों को वो किया, तारा उनको सपोर्ट किया, जो रोड पे थे उनको जगह दिया, सब कुछ किया। और विवेकानंद जी तो लोगों को जागृत करने में लगे रहे, तो सारे कहाँ से? विवेकानंद जी के पास इतना वो था कि इतनी मोटी बुक,
एक उन्होंने लाइब्रेरी से इशू करके ले गए और दो दिन बाद वापस कर दिया। तो लाइब्रेरी ने कहा क्या आपके खाली चित्र देखने के लिए आप लेके गए थे क्या? तो उन्होंने पूछा पूछो क्या पूछते हो इसमें से। तो उन्होंने पूछा ये टॉपिक कहाँ पे है, तो उन्होंने पेज समेत बता दिया कि इस चैप्टर के इस पेज में ये दाएं तरफ से इतना इतने वर्सेस पे आपका वो चाहिए ये चीज लिखा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? दैट इज फोटोग्राफिक इमेजेस। जैसे जैसे आप उनके पास ये ऐसे लोग हैं हमारे पास अभी भी जो इंडिया में मतलब किताब के ऊपर हाथ रखते ही पूरा का पूरा बुक यू कैन डाउनलोड इट्सेल्फ। पॉसिबल है। इवन देर आर पीपल हु आर डाउनलोडिंग फ्रॉम द अब्रॉड इज द थर्ड वर्ल्ड से, वहाँ पे कई मरे हुए लोग जो आधी चीज़ें छोड़ के चले गए वो उनके पास वो नॉलेज है उसको डाउनलोड करने के लिए। एक ऐसी ही एक रामता बुक है, वाइट बुक करके रामता जे जी नाइट को ऑटो राइटिंग के थ्रू उन्होंने लिखा है वो उस किताब को। ऐसे कई बुक्स हैं जो चैनलिंग के थ्रू लिखे जा रही हैं जो मतलब आप आंखें बंद कर रिमाइंड करता है कि जैसे हमारे धर्म के किताब लिखे गए कहते हैं कि ब्रह्मवाणी हुई और वो किताब लिखी है। हाँ, क्या वो सच है फिर? बिल्कुल सच है। सब उनके पास वो था। इवन वाल्मीकि जैसे डाकू थे जब ही गॉट एनलाइटेंड ही राइट दैट बुक्स एंड ऑल।